अच्छा साउंड है, अब वही रहेगा। हेलो एवरीवन, मैं यहाँ रेडी हो गई और अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूटी देखने के लिए मार्केट, क्योंकि आज है छुट्टी का दिन। हस्बैंड जल्दी आ गए, हस्बैंड ने बोला कि जल्दी से तुम आ जाना मार्केट, और तो हम लोग हस्बैंड नीचे आ गए, हम जा रहे हैं स्कूटी देखने के लिए। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना क्योंकि आज हम लोग को जाना है स्कूटी देखने के लिए। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने, देखते हैं कि कौन सा स्कूटी हम ले पाते हैं, कौन सा स्कूटी मुझे अच्छा लगेगा। जो स्कूटी अच्छा लगेगा वही स्कूटी मैं लूंगी, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना और बताना कमेंट करके कि कौन सा स्कूटी अच्छा रहेगा मेरे लिए। फ्रेंड, तो मैं यहाँ निकल चुकी हूँ गाड़ी से और हम लोग अभी जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा शोरूम जा रहे हैं, वो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे स्कूटी लेना है, कौन सा स्कूटी लेना मैं अभी तक भी डिसाइड नहीं कर पा। तो हम लोग यहाँ आ गए हीरो के शोरूम में, और हीरो में हस्बैंड बोले थे कि प्लेजर बहुत ही अच्छा अभी आया, तुम्हारे लिए सही रहेगा। तो वही सब देखने आए थे कि कुछ अपनी पसंद देखें, कुछ हस्बैंड की पसंद, और जो कंफर्टेबल हो मेरे लिए, सब कुछ देखना होगा ना, उसके बाद ही लेना, क्योंकि घर में एक नया चीज़ आ रहा है घर में, और मैं फर्स्ट टाइम ले रही हूँ स्कूटी। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे बेस्ट हो मेरा स्कूटी, सबसे बेस्ट हो। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग बताना कि मेरे लिए कौन सा सही रहेगा। तो नाइट्रॉन तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि जहाँ मतलब गाड़ी इलेक्ट्रिक लो, मैं बोल रहा हूँ ठीक। अच्छा कोई बात नहीं, फोटो नीचे नहीं बोला था वो, अगले बार से नीचे हूँ ला जाना, और इतना अच्छा साउंड है, अब वही रहेगा। 55-60 का माइलेज लोकल में मिल जाता है, इकोनॉमी मेंटेन करेंगे तो फिर आपका हीरो के बाद हम लोग आ गए यामाहा के शोरूम में। हम लोग सिर्फ देख रहे हैं अभी सबका प्राइस, मतलब उसमें क्या फैसिलिटी है, सब कुछ देख रहे हैं, उसके बाद ही हम लेंगे कंफर्टेबल होगा। तो यहाँ मैं आ गई यामाहा के शोरूम में, और यहाँ की भी स्कूटी सब मुझे बहुत ही अच्छी लगी देखने में, लुक वाइज बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखने में। यहाँ यामाहा में जो हम लोग आए ना, तो यहाँ की स्कूटी का जो लुक है ना, मुझे भी बहुत पसंद आए, और बाबू को भी पसंद आए, और पता है मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे कि बस होंडा का ले लो, हीरो का ले लो, ये पर उन्हें भी ये स्कूटी अच्छा लगा। तो देखते हैं कि कौन सा स्कूटी ले पाते हैं, यामाहा या फिर वो। बस यामाहा का थोड़ा सा भारी है, इसलिए मैं सोच रही थी पता नहीं कौन सा लूँ, लेकिन देखते हैं डिसाइड करते हैं क्या लेना। और उसके बाद हम लोग आ गए आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि कुछ खाने का तो बनता ना। आइसक्रीम से पहले हम लोगों ने मोमोज भी खाए, पर उसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, नमकीन में थोड़ा सा हम लोगों ने मोमोज खाया, मैं और बाबू हस्बैंड नहीं खाए। फिर हम लोग यहाँ आ गए आइसक्रीम खाने के लिए, और आइसक्रीम खाने के बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से सीधे घर पर। आ गए घर, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा स्कूटी ज़्यादा अच्छा लगा, तो वही लेंगे। अभी नहीं लेना, जुलाई में हम लोग को जाके लेना है स्कूटी। तो अभी बस हम लोग आज देखने गए थे कि कौन तुमको कौन सा अच्छा लगा। तो मेरे तो क्या बोलते हैं, ड्रेस अच्छा लगा, मैं तो ड्रम अच्छा लगा उसका, क्या बोलते हैं, यामाहा का ड्रम अच्छा। तो देखें कि जो इसका जिसका सीसी भी थोड़ा कम हो, जो मैं कंफर्टेबल अच्छे से चला सको, वही लेना है। लेकिन अभी तो देख रहा है सब, कोई लुक देख रहा है, कोई देखे तो गुस्सा भी हो जाता, दो सेकंड गुस्सा हो जाता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर अगला ब्लॉग का इंतजार रहेगा, आप लोग इंतजार करिएगा, और देखते हैं कि कब हम लोग जुलाई में खरीदेंगे, अपने बर्थडे पे खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे ठीक है। बस अभी देखने जा रहे हैं डेली कहीं ना कहीं पे, हर वीक कहीं ना कहीं जा रहे देखने के लिए कौन सा लेना है स्कूटी, कौन सा लेना है स्कूटी। तो वहीं हम लोग गए कुछ खा पी लिए, फिर आ गए घर, फिर